दुर्ग जिले में लगातार हो रही बारिश और आसपास के क्षेत्रों से बहकर नालों के माध्यम से आने वाले पानी के साथ ही बड़े बांध से छोड़े जा रहे पानी से शिवनाथ नदी अपने रौद्र रूप में नजर आने लगी है। वही जिला प्रशासन ने गंभीरता दिखाते हुए सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर रखे हैं। दुर्ग में एक बार फिर शिवनाथ नदी अपने पूरे रौद्र रूप में नजर आ रही है। लगातार हो रही बारिश और बड़े बांध जैसे मोगरा बैराज सहित अन्य क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने से शिवनाथ नदी का जल स्तर दिन ब दिन बढ़ने लगा है। देख सकते हैं किस तरह से नदी में जल प्रवाह हो रहा है। आप मैं जो तीन कानून है ना, उसमें यह है कि आपदा से संबंधित अगर कोई समाचार चलाते हो तो आपको न्यायालय जाना पड़ सकता है। मोगरा बैराज और तांदुला डैम से अब तक 76,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है, जिससे लगातार दुर्ग में स्थित शिवनाथ नदी अपने पूरे शबाब में बहती दिखाई पड़ रही है। नदी में बने एनीकेट से 7 फीट ऊपर तक बह रहा था पानी, जो लगातार बढ़ने लगा, जिससे आसपास के नदी किनारे गांव पानी में घुसने भी लगा है। इसी के तहत जिला प्रशासन ने अभी से सतर्क रहने की अपील की है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।